रसगुल्ला जैसा मुंह। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल फिट इंडियन वॉरियर। तो आज हम आप लोग को दिखाने वाले हैं जनेश्वर मिस पार्क, जो कि एशिया का लगभग सबसे बड़ा पार्क है। तो आज हम इसको पूरा एक्सप्लोर करने वाले। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग शायद 5 बज चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा पूरा का पूरा डिटेल में। बस हाँ, गेट नंबर 2 से अभी एंट्री करते हैं और इसका टिकट कितना लगता है, कैसा दिखता है अंदर से। और हाँ, मैं तिरंगा भी आपको दिखाऊँगा, हो सकता है तिरंगे तक पहुँच पाएँ या फिर सनसेट हो जाएगा तब तक, देख सकते हैं आप, सनसेट का टाइम ही है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, मैं अंदर एंट्री करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अभी ये फ्री में दे रहे हैं स्टिंग सैंपल के लिए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थम्स अप वालों का चार्ज है। अच्छा, चार्ज है। हाँ, थम्स अप ने नई ब्रांड अपनी लॉन्च की है चार्ज, आप देख सकते हो इसके आगे ये लोग प्रमोशन कर रहे हैं जनेश्वर मिस पार्क के सामने। और ये भैया हैं, आपका नाम? अरुण कुमार। ओके, इनका नाम अरुण कुमार है, इनकी सर्विस अच्छी लग रही है हमें। तो हमने जनेश्वर के गेट नंबर 2 से एंट्री कर ली है और हमें ये टिकट मिला था, जैसा कि आपको बताया था हमने कि टिकट लेंगे, 10 रुपये का है मात्र। नॉर्मली आप आ सकते हो टहलने वगैरह भी, और शाम तक खुला रहता है, काफ़ी सनसेट के बाद भी खुला रहता है 8-9 बजे तक। और हाँ, हमें चार्ज मिली थी जैसा कि आपको दिखाया था। ये इसका टेस्ट हमें स्टिंग से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वैसे स्टिंग वाले शायद से वो करेंगे, बट हाँ अच्छा लग रहा है। Guys, finally we have reached to. So guys, अभी चलिए आपको दिखाने वाले कुछ ऐसा खास जिसको शायद से आपने देखा हो। इंटरेस्टिंग है ये, फोटोशूट के लिए अच्छा है। यहाँ पे आप दिखा सकते जनेश्वर मिस जी की स्टैचू बना है, और वो देखिए फाइटर प्लेन। सो ये देखिए जनेश्वर मिस जी की प्रतिमा, जो कि स्टैचू बनाया गया है। इन्होंने ही बनाया था इसको, क्या नाम है, जनेश्वर मिस पार्क को, जो कि बहुत बड़ा पार्क है। और अभी आपको कुछ दिखाने वाले हैं यहाँ पे, मस्त सा एरिया। वाओ, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, अपनी रील्स वगैरह भी देखी होगी इंस्टा वगैरह पे, और प्रैंक वीडियोस भी बनाते हैं जनेश्वर पे ही, यहीं आते हैं ऐसी लेक वगैरह के। कहते हैं ऐसा कि ये नदी से कनेक्टेड है, गोमती नदी से, बट पता नहीं ऐसा है कि नहीं, कितनी डीप है ये यही लोग जानते हैं। बट हाँ, इसमें एक चीज़ की है, ये देखिए इसको चाहे जितना साफ करने की कोशिश करो, पर बच्चे हैं ना। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार दिखते थे जनेश्वर मिस जी। ये देखिए रसगुल्ला जैसा मुंह, रसगुल्ले जैसी बॉडी, क्या मस्त दिखते थे। पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, सनसेट हो चुका है लगभग, और फिर भी नाइट क्वालिटी देखिए इस कैम की। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बोला था ना कि इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा, और आप इसमें खुद ही जज करिए कैसी है क्वालिटी इस कैम की, व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैम है या फिर नहीं। इस टाइम पे सबसे बेस्ट कैम यही था, तो इसीलिए हमने इसको लिया। और ये देखिए इस नदी को, जैसा कि हम बता चुके पहले भी, अब ज़्यादा कुछ ना बताते हुए, इसमें मछली मिलती है, मछली देखें। ये देखिए यहाँ पर मछलियाँ कुछ पाली हुई हैं, इनमें फ़िशिंग करना मना है पूरी तरीके से, इनको ले जा नहीं सकते, कोई खा नहीं सकता। पता चला कोई सोच रहा हो मेरा व्लॉग देख के, सोच रहा हो मेरा कि इनको ऐसे लेके आए, मछली पकड़ के ले जाएं, खा लें घर पे बना के, या फिर कहीं जाएं घूमने फिरने बना खा लें। सो गाइस, फाइनली हम जनेश्वर मिस पार्क के बीच में सेंटर में एकदम पहुँच चुके हैं,
जो कि इधर भी रोड दिख रही है, हमें इधर भी रोड दिख रही है, लेफ्ट देखो तो रोड, राइट देखो तो रोड, वहाँ पे हमें झंडे वाला पार्क दिखेगा, वहाँ पे तिरंगा बहुत बड़ा फहरता है, बहुत मस्त लगता है। वैसे रात हो चुकी है, हम वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, और बहुत बड़ा ये एरिया है, एरिया मुझे मालूम नहीं कितना एरिया का है, बट हाँ डिस्टेंस में मैं बता सकता हूँ आपको, बहुत लंबा है। तो मुझे चलते चलते तो खैर 8-9 बज ही जाएगा आराम से पूरा, तब भी कवर नहीं कर पाऊँगा, भागते हुए जाऊँगा तब शायद से कवर हो। ओके, तब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, या फिर आप चाहो तो मैं बाहर एंड कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ एग्जिट पॉइंट, फिर वहाँ पे एक सिंघम चाय वाला है, फेमस चाय वाला, उसके वहाँ पे आपको चाय पी के दिखाएंगे कैसी है, फिर उसके बाद हम घर पहुँचते हैं, और आप बताना कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही, जैसा कि मैं पहले भी पूछ चुका हूँ मछलियों को दिखा के। ओके, तब तक के लिए बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग सिंघम भाई का चाय पीने आ गए, जहाँ पे बोला था हमने सिंघम भाई का चाय दिखाएंगे, चाय फेमस है बहुत ज्यादा, बहुत क्वालिटी का भाई, क्या बहुत सारे यूट्यूबर चाय कुल्लड़ में दे दें। हां भाई कैसे हैं आप लोग भाई, हमारे बहुत फेमस सिंघम चाय जलेसरा गेट नंबर 1 पे, कभी आपसे मिलना हो या हमसे मिलना हो तो आप आइए, मेरी एक स्पेशल चाय पी के देखिए, स्पेशल मैगी खा के देखिए, मजा ना है पैसा वापस। ये मेरे भाई है जो मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरे बहुत क्लोज है, आप इनसे संपर्क करेंगे बिल्कुल सिंघम से मुलाकात हो जाएगी। हाय हेलो हाउ आर यू भाई, का मतलब भाई के यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर साथ में भाई पीने, बिल्कुल बिल्कुल, हरी 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 भाई आता है जो इंस्टाग्राम पे फेमस है, वो भी आते हैं, भाई लोग मिल चुके हैं, सेल्फी वेल्फी ले चुके हैं, और भाई भी जानता है सेफली सेफली है, भाई लोग जानते हैं, और बहुत अच्छे लाइट हूँ मैं, आप लोग भी कोशिश जो लो ये वीडियो देखेगा कृपया करके सिंघम से जरूर मिले, और मेरे भाई से भी जरूर मिले, जो भी है मेरे भाई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे भाई को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। बस भाई क्या आइए, दुकान हम दिखा दे रहे गाइस, सिंघम चाय वाला गेट नंबर 1, सिंघम चाय वाला गेट नंबर 1, आप कभी भी आइए, कॉन्टेक्ट करिए हमसे, बाकी चाय हम पिला देंगे। तो गाइस चलिए चाय पीते हैं, भाई क्या बंद भी करो। तो यहाँ की चाय तो कंप्लीट हो गई, हमें मिल गई, और इनकी सर्विस भी अच्छी है, बहुत तगड़ा टेस्ट है, आप कभी टेस्ट करके देखो। ये देखो सिंघम चाय वाला, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपको दिखाया भी, इनका पूरा इंट्रो दिखा दिया है। तो तब तक के लिए गुड बाय, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बस तब तक के लिए बाय।